हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक चल रहा था जूलॉजी के अंदर, उसमें अपन देख रहे थे कि वेरिएबल जो फाइलम थे अपने पास, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे। एक उसी के साथ साथ अपन उनके साथ यानी कि उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। साइलेंट फीचर अपना, जैसे कि सबसे पहला नंबर मैंने जो फाइलम लिया था वो बताया था आपको मैंने, प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ के अपने साइलेंट फीचर की बात हो गई थी कि प्रोटोजोआ एनिमल क्या है, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के जो एनिमल है उनके करैक्टर के आधार पर, उनके स्पेसिफिसिटी के आधार पर एक गोल्फर्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या रखा था, उसका नाम रखा था, इसकी स्थापना की थी, इसी के साथ साथ क्लासिफिकेशन किया गया था। साइलेंट फीचर में मैंने बहुत सारे आपको करैक्टर बताए थे, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसी रिप्रोडक्शन के साथ साथ उसके अंदर यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसके द्वारा होगा, विभिन्न प्रकार के मेथड्स मैंने आपको बताए थे। सेक्सुअल के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें सिनगैमी पाई जाती है, सिनगैमी के साथ साथ कॉन्जुगेशन की क्रिया पाई जाती है। सिनगैमी और कॉन्जुगेशन के लिए मैंने आपको बताया था, उसमें भी एग्जांपल बताए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे वो प्रोटोजोआ में क्या होंगे, इनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाएगी, मैंने पेलिकल बताया था, एक तनुत्व बताया था, उसी के साथ साथ उसमें क्या होता है कि जो स्केल्टन होता है उसके द्वारा एक श्रावण होता है, स्केल्टन के द्वारा श्रावण के साथ साथ एक क्या बन जाती है, बाहर की तरफ एक यानी कवर बन जाता है जिसे सेल या टेस्ट कहा जाता है। वो किसमें बात की थी अपन ने, प्रोटोजोआ एनिमल में, प्रोटोजोआ एनिमल के अंदर ही मैंने उसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था, ये सारी बात। नेक्स्ट अपन यहां बात कर रहे हैं कि आज उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो प्रोटोजोआ एनिमल है, प्रोटोजोआ एनिमल में उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसको कितने यानी कि चार सब फाइला में, कितने में, चार सब फाइला के अंदर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चार सब फाइला के अंदर डिवाइडेड में सबसे जो पहला नंबर हमारे पास आता है वो आता है सार्गोमेस्टिगोफोरा, सार्गोमेस्टिगोफोरा। सेकंड आता है अपने पास स्पोरोजोआ, थर्ड आता है नीडोस्पोरा और फोर्थ आता है सीलियोपोरा। देखो ये चार हमारे पास क्या है, सब फाइला है, जो किसके सब फाइला होंगे, प्रोटोजोआ के। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे पास जो प्रोटोजोआ एनिमल है, इस एनिमल के में जो यहां पे अपने सब फाइला रखे हैं, ये सब फाइला हमारे पास कितने होंगे, चार होंगे। पहला मैंने आपको बताया कौन सा, सार्गोमेस्टिगोफोरा। इसके अंदर हम बात करें एग्जांपल लेके चलें तो जो सार्गोमेस्टिगोफोरा के जो करैक्टर होता है वो समानता दर्शाते हैं किससे, अमीबा से, युगलिना से, साथ ही साथ हम बात करें यहां पे नॉक्टुलम से, जियार्डिया से, लेस्मानिया से, लेस्मानिया के साथ ट्राइकोजोमोनास होता है, ट्राइकोमोनास में ओपेलाइना और एक आता है एंटा अमीबा। तो ये सारे करैक्टर किसके यानी कि जो एनिमल है, जैसे कि एंटामीबा बताया, लेस्मानिया मैंने बताया, अमीबा, यहाँ पे पैरामीसे, युगलिना की बात की, तो वो किस में आएगा, यहाँ पे सार्कोमेस्टिगोफोरा में। तो देखो अमीबा, यहाँ पे युगलिना, साथ ही साथ ओपेलाइना, लेस्मानिया, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, एक दो एग्जांपल और जैसे एंटामीबा हो गया, जियार्डिया हो गया, एंटामीबा और जियार्डिया। देखो ये किसके एग्जांपल होंगे, ये सारे के सारे सार्कोमेस्टिगोफोरा के होंगे। देखो सार्कोमेस्टिगोफोरा के मैं आपको चारों फाइला के यहाँ पे हम करैक्टर की बात करेंगे, लेकिन मेनली एग्जांपल ध्यान रखना कि युगली, जैसे कि अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, ओपेलाइना हो गया, लेस्मानिया, ट्राइकोमोनास हो गया, अपने पास एंट अमीबा हो गया, जियार्डिया हो गया, ये एक नॉक्टिवियस आता है, तो वो किस में आएंगे, सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें किस में, स्पोरोजोआ में, तो स्पोरोजोआ के अंदर लेके चले तो ये भी प्रोटोजोअन्स है, तो स्पोरोजोआ के अंदर हम एग्जांपल लेके चले, एक तो अपने पास कौन सा आएगा, यहाँ पे ग्रिगेराइना, ध्यान रखना स्पोरोजोआ में अपने पास आएगा ग्रिगेराइना, एक अपन ले सकते हैं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम, ग्रिगेराइना, ये किसके एग्जांपल होंगे अपने पास, स्पोरोजोआ के। इसी में एक और अपन ले सकते हैं आइमीरिया, आइमीरिया,
ये किसके एग्जाम्पल अपने पास, स्पोरोजोआ के। अब देखो स्पोरोजोआ के बाद में अपने पास आता है नीडोस्पोरा, तो नीडोस्पोरा के अंदर अपन ले सकते हैं कि ये जो नीडोस्पोरा के जो एनिमल होते हैं इनमें करैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि इनमें कई प्रकार के जो करैक्टर होते हैं। प्रोटोजोआ मैंने आपको इसमें कंप्लीटली बताया था साइलेंट फीचर्स के बारे में, लेकिन सार्गोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोपोरा ये जो एनिमल है इनमें क्या होता है, कई करैक्टर क्या करते हैं, सिमिलरिटीज को शो अप करते हैं। ग्लूगिया, जैसे कि अपन नीडोस्पोरा में बात करें, ग्लूगिया इसका एग्जाम्पल होता है। इसके साथ साथ मिक्सीडियम, ये मिक्सीडियम किसका होगा, नीडोस्पोरा के। मिक्सीडियम, इसी के साथ साथ अपन कौन सा लेते हैं, ग्लूगिया, ये किसका होगा, नीडोस्पोरा का। ये क्या है कि जो एनिमल है जो नीडोस्पोरा में रखे गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटोजोआ से समानता दर्शाते हैं। इसी के साथ साथ अपन सिरेटोमिक्सा भी ले सकते हैं, सिरेटोमिक्सा ये भी किसका एनिमल होगा, एक नीडोस्पोरा का होगा। लास्ट अपन ले सकते हैं कि जो अपने पास सीलियोपोरा, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है सीलियोपोरा, क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाया जाएगा, सीलिया पाए जाएंगे, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होंगे। इसी के साथ साथ इसमें अपन ले सकते हैं कि जो अपने पास आता है सुडोपोडिया, जिन्हें बोलते हैं कुटपाद, ये कुटपाद में किसमें एब्सेंट होंगे, सीलियोपोरा में एब्सेंट होंगे। लेकिन इसमें अपन एग्जाम्पल लेके चले सीलियोपोरा का, एक तो अपन ज़्यादातर यूज लेते हैं पैरामीशियम, क्योंकि पूरी बॉडी को कवर रखते हैं पैरामीशियम, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक पेंडुलम प्रकार का लोकोमोटर, यानी कि पेंडुलम साइज के सीलिया पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, उसी की हेल्प के द्वारा वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो अपन एग्जांपल में ले सकते हैं एक तो आइसोट्राइकस या आइसोट्राइका, इसी के साथ साथ पैरामीशियम ले सकते हैं। फिर अपन ले सकते हैं इसमें, देखो पैरामीशियम, आइसो ट्राइका, ये भी क्या है, सीलियोपोरा का, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, पैरामीशियम पाए जाते हैं। एक अपन ले सकते हैं टेट्राहाइमेना, ये भी किसका है, सीलियोपोरा का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे ये तो अपने पास हो गई एग्जाम्पल की बात कि सार्कोमेस्टिकोफोरा में कौन आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिन आएगा, ओपेलाइन आएंगे, स्पोरोजोआ में अपने पास प्लाज्मोडियम आ गया, ग्रेगेराइन आ गया, आइवीरी आ गया, नीडोस्पोरा में अपने पास आ गया मिक्सीडियम, ग्लूगिया, एक आ गया अपने पास सिरेटोमिक्सा। इसके साथ अपन सीलियोपोरा में ले सकते हैं, इजी जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम, यहाँ पे ले सकते हैं आइसोट्राइका, लास्ट में जो अपने पास आता है वो आता है टेट्राहाइमेना। अब देखो यहाँ पे हम लेंगे कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होंगे, तो लोकोमोशन के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अमीबा में क्या पाया जाता है, आपको पता है अमीबा में पाया जाते हैं कौन, सुडोपोडिया, सुडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। साथ ही साथ अपन यूग्लिना में लेके चले तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाएंगे। अब स्पोरोजोआ में, जैसे कि स्पोरोजोआ के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कशाब युक्त तो होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि फ्लैजिला मैक्सिमम लेके चले तो क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, तो सीलिया और साथ ही साथ फ्लैजिला ये दोनों ही क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, नीडोस्पोरा, इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे सीलिया साथ ही साथ फ्लैजिला ये दोनों ही क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि सीलियोपोरा में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सीलिया क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर लोकोमोटरी ऑर्गन ही क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये तो इनमें कौन सा हो गया, यहाँ पे हम ये तो हमारे पास क्या है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन ऑर्गन की बात हो गई। अब लेके चलते हैं हम इसमें क्या लेंगे, लाइफ साइकिल, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, इसका जीवन क्या है, तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे सार्गोमेस्टिकोफोरा ये कैसे होता है, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, मुक्त जीवी प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, यहाँ पे पैरासाइट प्रकार के होते हैं, परजीवी होते हैं, कौन होंगे यहाँ पे, सार्गोमेस्टिकोफोरा में। सेकंड अपन ले सकते हैं यहाँ पे स्पोरोजोआ, ये सारे के सारे यानी कि ऑल एनिमल्स कैसे होंगे, यहाँ पे पैरासाइट प्रकार के होंगे। नेक्स्ट अपन लेके चले वो भी पैरासाइट होंगे, और लास्ट वाले कैसे होंगे, फ्री लिविंग और पैरासाइट होंगे, ये भी कैसे होंगे, ऑल पैरासाइट प्रकार के, जबकि ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे,
फ्री लिविंग का मतलब ले सकते हैं मुक्त जीवी प्रकार के, एंड ये कैसे होंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक प्रकार के होंगे यानी परजीवी प्रकार के ये एनिमल होते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें, ये तो हमारे पास किसकी हो गई, यहाँ पे लिविंग की बात हो गई, फ्री लिविंग हो गए। नेक्स्ट अपन लेके चले इनके अंदर कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में किसका, कि प्रोटोजोआ जो एनिमल है इनके अंदर भी यहाँ पे हमने फाइला लिखे हैं, तो सार्गोमेस्टिगोफोरा एनिमल होंगे ये, किस प्रकार का यहाँ पे क्या करेंगे रिप्रोडक्शन शो अप करते हैं। यहाँ पे सार्गोमेस्टिगोफोरा जो एनिमल है वो अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का, लेकिन इनमें क्या नहीं बनते हैं, स्पोर नहीं बनते हैं। तो हम अपन यहाँ पे लेंगे कि रिप्रोडक्शन जो इनमें होगा सेक्सुअल भी होगा एसेक्सुअल भी होगा, ये तो इसमें पाया जाएगा, लेकिन इसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे स्पोर नहीं बनते हैं। किसमें नहीं बनेंगे, ये सार्गोमेस्टिगोफोरा में नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्पोरोजोआ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल भी होगा एसेक्सुअल भी होगा, और इसके अंदर क्या बनेंगे स्पोर भी बनते हैं। तो ये तीनों इसमें क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, स्पोर का यानी कि बीजाणुओं का, यहाँ पे बीजाणु यानी कि स्पोर का क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लेके चले नीडोस्पोरा, जो अपने पास कौन सा है थर्ड नंबर का, अपने पास क्या है फाइला है। इसमें ओनली फॉर नीडोस्पोरा में ध्यान रखना स्पेसिफिक क्या है, इसमें इसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन की क्रिया इसके अंदर होती है। नेक्स्ट लास्ट जो अपने पास सब फाइल आता है वो कौन सा होता है सीलियोफोरा आता है। सीलियोफोरा के अंदर क्या बनेंगे यहाँ पे स्पोर क्या नहीं होते, नहीं बनते स्पोर नहीं बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर क्या पाया जाएगा यहाँ पे, इनमें सीलियोफोरा में यहाँ पे संयुग्मन की क्रिया पाई जाती है। तो लैंगिक में भी कौन सी होती है संयुग्मन की क्रिया, तो हम लेंगे यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो हम साधारणतः बात कर सकते हैं कि इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो भी क्या नहीं होता, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल एसेक्सुअल और स्पोर फॉर्मेशन ये क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। किनके अंदर यहाँ पे पैरामीशियम में आइसोट्राइका के अंदर, आइसोट्राइका के साथ साथ हमने बात की यहाँ पे टेट्रा, यहाँ पे हाइमेना, इनमें भी क्या होता है यहाँ पे कि स्पोर नहीं पाए जाएंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है यहाँ पे सेक्सुअल के अंदर तो यहाँ पे संयुग्मन की क्रिया पाई जाती है, कॉन्जुगेशन की क्रिया पाई जाती है, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेटिव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल का, या फिर हम बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का क्या होता है यहाँ पे एक से दूसरे में एक्सचेंज होता है। तो ये क्रिया इनमें क्या होगी एब्सेंट होगी। ये हमने बात की किसमें रिप्रोडक्शन में, जनन में बात की है। लास्ट अपने पास कौन सा आता है यहाँ पे स्पोर आते हैं, कि स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है और किसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे स्पोर में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्पोर इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, लेकिन स्पोर नहीं बनते हैं। जब स्पोर नहीं बनेंगे तो उसी के साथ साथ इनमें यहाँ पे क्या नहीं होगा न्यू, यहाँ पे जो एनिमल होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है इसमें, स्पोर बनेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पोरोजोआ, यहाँ तो वर्ड से ही पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे क्या नहीं होगा स्पोरोजोआ में मेनली स्पोर बनेंगे, जो भी कैसे बनेंगे पॉलर प्रकार के बनेंगे, ध्रुवीय प्रकार के बनेंगे जो कैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ध्रुवीय होते हैं लेकिन उनमें जो पॉलर एंड्स होते हैं एक एंड से दूसरे एंड की ओर जो पॉलर एंड्स होते हैं वहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है एंटीना नहीं पाए जाते। तो स्पोर कैसे होंगे एंटीना विहीन होते हैं और इनमें क्या होगा कि स्पोर पाए जाएंगे, स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ इनमें क्या नहीं होगा वो कैसे नहीं हो, यानी कि उनमें क्या नहीं होगा ध्रुवीय है या फिर बोल सकते हैं एंटीना क्या होंगे एंटीना विहीन, एंटीना क्या होंगे एब्सेंट होंगे उनमें। अब बात करते हैं कि नीडोस्पोरा जो एनिमल है इन नीडोस्पोरा में क्या होता है यहाँ पे स्पोर बनेंगे, देखो स्पोर फॉर्मेशन इनमें पाया जाता है लेकिन इसमें स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ जो यहाँ पे पॉलर एंड्स होंगे उन पॉलर एंड्स में क्या प्रेजेंट होंगे एंटीना यहाँ पे फाइबर्स पाए जाएंगे, स्पोर फॉर्मेशन होगा साथ ही साथ उसमें क्या होगा ध्रुवीय प्रकार के जो एंटीना होंगे ये एंटीना उसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखना कि एंटीना युक्त होंगे ये और जो किस पे होंगे पॉलर एंड्स पे पाए जाएंगे। लास्ट अपने पास आता है कि सीलियोपोरा जो सब फाइला है लास्ट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं कि स्पोर नहीं बनते, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है
एब्सेंट होता है। इसी के साथ साथ एब्सेंट होने के साथ साथ वहाँ पर अपन एंटीना की बात नहीं कर सकते हैं, दूरवी एंड्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना कंप्लीट हुआ है, देखो एग्जांपल मेनली ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को इसमें चार ही बताए, लोकोमोटरी ऑर्गन बताए, लाइफ साइकिल के बारे में बताए, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन के बारे में बताए, लास्ट अपना आता है इसमें यानी कि स्पोर के बारे में बताया कि इसमें जर्मिनेशन कैसा होगा, यहाँ पे किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट कैसा होगा, वो इस प्रकार से होता है। ये सारा का सारा किसके बारे में हुआ यहाँ पे, सब फाइला के बारे में। ये अपना कंप्लीट होता है ये चैप्टर, जो किसके लिए, प्रोटोजोआ के साइलेंट फीचर्स के बारे में। उसी के साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रोटोजोआ के बाद में अपन देखेंगे मेटाजोआ। तो मेटाजोआ के अंदर आपको पता है दो आते हैं, तो मीजोजोआ, एक आता है यू मेटाजोआ। मीजोजोआ के अंदर भी अपन बात करेंगे किसमें, पोरीफेरा की, ओनली फॉर एक फाइलम आएगा पोरीफेरा। लेकिन अपने पास जो यू मेटाजोआ आएगा उसमें विभिन्न प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे, फाइला पढ़ेंगे या फाइलम पढ़ेंगे, जिसमें आ जाता है अपने पास प्लेटी हेलमंतीज, एस्के हेलमंतीज, एनेलिडा, ओर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकोडर्स, ये सारे किसमें पढ़ेंगे अपन, यू मेटाजोआ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।